एक कटोरी चने की दाल को भिगो लें और एक मीडियम साइज की लौकी को इस तरह से बड़े बड़े चंक्स में काट के रख लें। चने की दाल को 2 से 2.5 कटोरी में पानी में उबाल लें, साथ लौकी भी इसमें डाल दें। 1 चम्मच नमक भी डाल दें, गलने के लिए हल्दी डाल दें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, 3 से 4 तेजपत्ते और बढ़िया टेस्ट के लिए बड़ी वाली काली वाली बड़ी इलायची एक डाल दें और करीबन 3 से 4 सीटी आने तक प्रेशर कुकर बंद करके पका लें। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालें, हल्दी डाल दें, आधा चम्मच जीरा, 2 छोटी चम्मच छोटी सी हींग, 1 बड़ी प्याज और हल्का सुनहरा होने तक प्याज को भूनें। लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाल दें, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल, चुटकी भर हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 मीडियम साइज के बड़े बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा पानी डाल दें जो मसाले चलेगा। तेल ऊपर आने तक मसाले को अच्छी तरह से पकाएं। अब लौकी और दाल को जो उबाला है वो डाल दें इसमें। अब सारी दाल डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके हमने देखा करीबन 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच, 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल दें और आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी ऊपर से डाल दें। गरम गरम परोसे चावल, रोटी, चपाती और पराठे के साथ।